सकता। जी धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो सब पूरे देश को वंदे मातरम। और जो दिल्ली की बेटी अब हमारे बीच में नहीं है, उसको मैं ये चाहूंगा कि पूरा देश उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करे। और प्रतीक जी, इस मुद्दे पर ना राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस मुद्दे पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो लोग हैं जो कि गिद्ध के स्वरूप में इस तरह मानव रूप में है, उनको हर मुद्दे पर राजनीति दिखाई देती है। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा कोई मित्तल है। पहली चीज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने सारी सूची देखी, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति भाजपा से संबंधित नहीं था। कोई अगर पोस्टर लगा ले तो उससे वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं बन जाता। दूसरी चीज, व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहा है जी। प्रतीक जी, जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने उस 31 दिसंबर कानून काम करेगा ना, ये मैं वही तो बताना चाहूँ, मुझे पूरा समय दीजिए प्लीज। आपने पहला सवाल राजनीति नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता आ गई, मैं यहाँ पे खड़ा करना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ पहला, कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ने जहां से छोड़ा था। अगर उन्होंने सवाल पूछा था कि बीजेपी बचा रही है, तो सवाल तो मैं आ गया, तो सवाल ये होना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल नहीं बचाया जाना चाहिए, ये क्यों नहीं कहा आपने? प्रतीक जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रतीक जी, कैसे बातें आप कर रहे हैं? एक बात बताइए, उन सभी को जेल में बंद किया गया, उनके खिलाफ 304 का मुकदमा है, जो कि आजीवन कारावास का मुकदमा होता है, हत्या का मुकदमा उन पर चल रहा है गैराज आदन, साथ ही साथ पुलिस फॉरेंसिक्स कर रही है, लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं। लेकिन मैं इन सबसे इतर एक बात कहना चाहता हूं, जो नशे की बात कही हमारे मित्र ने, बोला ना बिल्कुल सही बोला, दिल्ली के क्राइम रेट के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना है। दिल्ली की गली गली में जो नशे का व्यापार आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, यह उसका फल है। राइट, मैं आया, योगिता बयान जी। प्रतीक जी, शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऐसे में कोई क्या बोलेगा? ये लोग आपस में एक दूसरे के घर के आगे धरना करते हैं, ये बोल रहे हैं इसमें बीजेपी का व्यक्ति लिप्त होगा। कल तो मैं पूरा दिन वहीं परिवार के साथ थी, फ्यूनरल तक में मैं साथ थी। ये आम आदमी के हमारे भाई हमारे साथ हैं, इनके मैं एक एरिया में, और मेरे पास तो बहुत सारे रेप केसेस आते हैं, दिल्ली से आते हैं। इनका एक एमएलए है महेंद्र यादव, उसका एक कार्यकर्ता है रमाशंकर साहा, उसने रेप किया, बलात्कार किया, उस वहां की एरिया की लड़कियां इतनी परेशान है उससे, इतनी परेशान है। और मैं कितनी बार रीच आउट कर चुकी हूं, इन सबका वही हाल है, वो रेप का आरोपी है फिर भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर ये लोग बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता दिल्ली की औरतें कहां जाएं, हम कहां जाएं, कहां बताइए आप, कहां सुरक्षित फील करेंगे? यहां पर आप लोग आज सुनना, सुनने के लिए बुलाया सिर्फ मैंने आपको, आज बोलने के लिए नहीं बुलाया है। सुनिए और सुन, आप ना नौकर हो हमारे, जनता के नौकर हो, इस देश की बेटियों के नौकर हो, नौकरी करो, नौकरी सिर पे मत बैठो, तुम हमारे पाँव की जूती हो, क्योंकि ये बेटियां हैं, बेटियां, बेटियों को बचाओ, ये राजनीति करोगे तो अब शब्द आता है, अब शब्द मैं मुझे मुझे जहां दखल देना चाहिए मैं दखल दूंगा। कि प्रतीक जी, ये जो शब्द योगिता बयाना के मुंह से निकला, आपने क्यों नहीं इंटरवीन करा? बराबरी का होना चाहिए था, और वो निगाह मेरी तरफ तुरंत, बरखा जी की निगाह तुरंत मेरी तरफ आई, जो पुरुष आयोग की मांग कर रहे थे। ऑफकोर्स मैम, मैं बैलेंस की ही बात करूंगा, समाज बैलेंस से चलता है, मैं बैलेंस से चलता हूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल पक्षपात का नहीं बात दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब चोट लगती है ना, यहां लगे तो कुछ देर चली जाती है, लेकिन जब यहां लगती है ना तो बड़ी दुख देती है, बहुत दुख देती है। मैं आया बीजेपी, मैं खुद बहुत स्तंभ हूँ, और योगिता मेरी दोस्त ही नहीं, हम लोगों ने बहुत टाइम साथ में भी काम किया है, और इस वक्त मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मेरे दोनों लड़के हैं, और उनको भी सिखाया है कि एक औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए। वो एक माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो औरत की इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरी इज्जत करना मैंने सिखाया है उन्हें। और बिल्कुल गलती जहाँ है वो, उस पर कोई भी लोला पोती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की यहाँ पे अगर लैप्स है, और जो नजर आ रहा है, अमित शाह जी ने भी दूसरी पैरेलल का इंक्वायरी कमेटी लगाई है, एक स्पेशल कमिश्नर को भी अपॉइंट किया है, इसमें जो भी लिप्त नजर आएगा, शालिनी सिंह, और जो भी लिप्त नजर आएगा उसको बिल्कुल सख्त सजा मिलेगी। अक्यूज्ड के अंदर भी
भाजपा का अगर कोई है या नहीं इससे इसका कोई लेने देना नहीं है। लॉ इज लॉ और लॉ की जो बाजुए हैं वो उन सबको कटघरे में खड़े करती है जिसने भी ये कांड किया है। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक सत्ता में हूं या ना हूं, पर मैं एक माँ हूं और उस माँ के दरिये पे मैं ये मांग करती हूं और मैंने मांग की भी है कि हम लोग अपने बच्चों को जहां पर संभालते हैं वहां पर इसी गवर्नमेंट, चाहे वो मैं हूं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, इस तरीके की पॉलिटिक्स को ना करे। और जब वो पॉलिटिक्स करते हैं तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। वहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, वहां पर सड़कें भी ठीक नहीं थी। और दूसरा आप ये समझिए, भाजपा ने दो लोगों को ऑलरेडी निलंबित किया। अभी एक्स हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, इनको निलंबित किया है, इनके ऊपर एलिजिड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और इसको निकाला है। दूसरा कर्नाटका का बीजेपी एमएलए केएस ईश्वरप्पा, इनको हटाया, पर वो तो बाद में पुलिस ने इनको क्लियरेंस दे दी। तो भाजपा ऐसी नहीं है, चाहे कोई भी हो, अगर वो अक्यूज्ड है, उसने कुछ किया है, तो भाजपा उसका साथ नहीं देगी। नितिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है भाजपा साथ नहीं देगी, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? वाई कैंडल मार्च? वाई नॉट कैंडल मार्च? कैंडल मार्च होना चाहिए हर एक को जागरूक करने के लिए। वाई नॉट कैमरा? वाई नॉट कैमरा ऑन दैट रोड? क्यों नहीं होगा? वाई नॉट कैमरा ऑन दैट रोड? क्यों एसी से जाके नहीं पूछेंगे? अरे रुक जाइए, आपको पता है वहाँ पे सीट लाइट नहीं थी? बिल्कुल, वहाँ पर रियलिटी चेक हुआ है और एक चैनल ने रियलिटी चेक किया और उसके अंदर उस रियलिटी चेक का टीवी 9 ने रियलिटी चेक किया है। सबको पता है क्या उसके अंदर दिखा? एक बार रियलिटी चेक इस बात का भी हो जाए कि उस मनोज मित्तल ने कितने नेताओं को कॉल किए थे, उसकी कॉल डिटेल सबके सामने कर दीजिए, रियलिटी चेक वो होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्यों उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सिर्फ मैंने किसी पार्टी का नाम, लेकिन आपके, लेकिन अपने अंदर झांक के देखिए क्यों बचाने की कोशिश कर रही हो। राइट, कांग्रेस में आया मैं। देखिए अभी ये दोनों जो है आपस में किस तरह से कुत्ते बिल्ली की इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई इसलिए शुरू हो गई क्योंकि केजरीवाल भी घेरे में है, उनको भी जवाब देना है कि सीसीटीवी कैमरों का क्या हुआ, और भाजपा को जवाब देना है। आलोचा मानते हैं राहुल गांधी जी, नो को पालते हैं, लेकिन आप हर जगह गलत। सर ये जो घटना अनुजा प्लीज, मैं आ रहा हूं, कमिंग टू यू। कांग्रेस आई एम कमिंग टू यू, मैंने आपको खड़ा किया, मैं आप ही के पास आऊंगा। चलो वेट जी, क्योंकि ये 31st का घटना था और प्लीज अनुजा प्लीज उधर पाजी, उधर मैं आया अनुजा प्लीज जी। ये जो घटना था 31st के दिन हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और आप भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले ये बात कही। ऐसी घटनाएं दिल्ली होती है और आपको भरोसा नहीं होगा, 31st के दिन हम यहीं थे और यहाँ जितने क्लब हैं, जितने बार हैं, दारू तो कोई ना कोई क्लब में पीता है लोग या होटल में पीता है, और वहाँ लड़कियाँ भी रहती हैं और लड़के भी रहते हैं। कोई आदमी ये नहीं बोल रहा है घटना घटने से पहले वो लड़का का मेंटेलिटी क्या था, क्यों पी रहा था, घर के संस्कार कैसे थे, उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। घटना घटने के बाद किसका गलती क्या हुआ नहीं हुआ चर्चा चल रहा है। जी, मैं 31 और 1 के दरमियान की घटना का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया जी आप इसलिए इस घटना का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये घटना दिल्ली में हुई, ये घटना तो कहीं और भी हो रही है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करने वाला है, कोई नहीं देख रहा है, ये आपने इसलिए किया क्योंकि आप उसको लाइमलाइट में आ गई, इसलिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि कैमरा लगी थी नहीं लगी थी, देश में तो हर जगह कैमरा नहीं है, तो दिल्ली में कैमरा लगा सकते, इसलिए चर्चा चल रही है कैमरा है, रोड खराब है हर जगह। भैया कैमरे की बात इसलिए आई जब यो कहा गया कि एक बार वो ट्रक से बची, तो ये तो पता चल रहा है कि वो ट्रक से बची, लेकिन उन्होंने शराब कहाँ पी ये नहीं पता चल पा रहा है अभी तक, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। जी मैं आया, मेरा कहना ये है कि भाजपा के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी जर्जर नहीं आपको
आपको पूरा इस देश में कहा गया बोलने पे, इस देश में कहा गया कि बोलने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है, आप बोलिए। हजारों अंजलि गुमनामी में अपना दम तोड़ देती हैं, जिनकी बीजेपी के न्याय मंत्री को जी कौन मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड को जाना ना अनुजा दिस इज नॉट अवे 10 सेकंड में देखिए अनुजा कूल डाउन अनुजा प्लीज कूल डाउन आराम से हाँ जी जवाब तो देने दीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ अपने साथी को, बिल्कुल आप निलंबित करवाइए। नहीं निलंबित आप करवाइए, पर मैं एक बात ये भी पूछ लूँ, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन का है पॉक्सो वाली जो रेपिस्ट था उससे उससे मालिशें करवा रहा था, तिहाड़ जेल के अंदर है कि नहीं, क्या वो मॉडल प्रिजन है कि नहीं, आप मुझे बताएं कि एलजी साहब उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन नजफगढ़ ट्रेन का काम कर। इसके अलावा शहबाज शरीफ सरकार जेल के अंदर सारा काम वहाँ के कैदी करते हैं, उसकी आड़ में क्या अभी जो कुकर्म करने वाले मनोज मित्तल को बचाना चाह रहे हैं, उसकी आड़ में बचाना चाह रहे हैं, उस रेपिस्ट के चक्कर में इस रेपिस्ट को बचाना चाह रहे हैं, इस आदमी को बचाना चाहते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा? बिल्कुल क्यों नहीं मांगेंगे इस्तीफा इसी का? अगर काम नहीं करेगा इसी तो मांगेंगे इस्तीफा, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल हक है इस्तीफा मांगने का, हक है इस्तीफा मांगने का। कांग्रेस को पूरा करने दीजिए। प्रतीक जी ये इनसे सवाल करो भाजपा से, तो ये पहले दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये लगातार 2-3 दिन से इन्होंने कहा नहीं प्रोटेक्ट किया। इधर है, प्लीज कम जी। अरे डॉक्टर को दिखाओ पहले तो, आपको कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है? नो पर्सनल प्रतीक जी, ये लोग जब से दिल्ली पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना था, बिना किसी जांच के जो है डीसीपी बोलते हैं वो धारा भी लगा लेते हैं, वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ, वो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। किसको कहते हैं? अरे आप जाइए अपने काम के लिए, रिपोर्ट क्या होती है? लॉ पढ़िए, काम कर रहे हैं, तमीज रख लो, तमीज रख लो। नहीं आप इधर आइए ना, आप इधर आइए जी, आराम से। प्रतीक जी इनसे इनके जो है इनके नेता जो है जब भी किसी लड़की के साथ दरिंदगी होती है इनके नेता जो है उसमें कोई ना कोई जरूर इन्वॉल्व होता है। अभी मनोज मित्तल नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बोलिए ठीक है। वो मंगोलपुरी का सह संयोजक है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिस जेल में है उस जेल के बाहर है, और जहाँ केजरीवाल की बात आती है तो मैं आपसे कह रहा हूँ रितु, आप बहुत सहज होके बोलिए, जब आप बोला करें तो ये ध्यान रहा करे। अनुजा आपको बोलने का पूरा हक है, पूरा बोलने का हक है, लेकिन थोड़ा टाइम से भी आना होता है जी, थोड़ा टाइम से आना होता है जी। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे यहाँ पे सवाल जी, सवाल यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि जो विक्टिम है अपराधी है आरोपी है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये सभी के लिए है। मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ प्रतीक जी। स्वागत है। जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियाँ, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियाँ, उनसे कहो कि गंगा जैसी पवित्र है जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियाँ, तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो पैरों की बेड़ियाँ नहीं पायल है लड़कियाँ। तो ये जो हम देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली की सच्चाई नहीं है, हरियाणा में यूपी में पूरे देश में, पूरे देश को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा मिलने जा रहा है। अगर एक भी केस हो रहा है तो हमारी जो है अब आपका हो जाए नहीं हुआ है, बोलिए इसमें कितनी सारी 100 सवाल होते हैं, औरतों पे उठाए जाते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, बोला कि पहुंचने जा रही है। आपका हो गया ना प्लीज। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, मुझे अंजलि
और उसके परिवार से बहुत संवेदना है। मेरा आज पहली बार प्रतीक जी के शो पे आने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ बैठने का। किस तरीके से सियासत हो रही है, किसी एक ने नहीं कहा कि इतना दर्द हो रहा है, एक बेटी मर गई है। किसी एक ने नहीं कहा कि न्याय मिलना चाहिए, हम इस न्याय की लड़ाई में बेटी के साथ है। मैं आपको वचन देती हूँ, इस न्याय में इस बेटी के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। मैंने भी कल उस माँ से बात करी है, उसके आंसू देखे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे उस देखिए लड़ कैसे रहे हैं। ये क्या एक क्या अखाड़ा सा बना दिया है लड़ाई का, कि बीजेपी था, कांग्रेस थी, आप थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। एक बेटी मर गई, उसको इंसाफ दिलाने की बात करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। हमें और कुछ बात नहीं करनी, बस इंसाफ की बात करिए और एक बेटर प्लेस बनाइए, चाहे दिल्ली हो चाहे पूरा भारत। नहीं, मैं बिल्कुल आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं बिल्कुल मैं आ गया भैया, आ गया। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से कैसे आना हुआ इधर? आए थे कुछ काम से आए थे जी। हो गया काम? हो गया, हो गया जी। आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन जो हमारा लॉ है वो बहुत वीक है। उसको पता था कि हम शराब पिए हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर पुलिस ने पकड़ा भी तो भी हम छूट जाएंगे। सबसे पहले आप लॉ को इतना टाइट करिए कि आदमी शराब पी के दारू पी के गाड़ी चलाना छोड़ दे, नंबर वन। नंबर टू, उसको पता है अभी बेल हो जाएगी, थोड़ा बहुत बड़ा वकील कर लेंगे, पैसा दे देंगे, छूट जाएंगे, फिर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये जब तक लॉ ही नंबर तीन मीडिया आज जगी है, कल तो सो ही जाएगी। मीडिया तो फिर भी बहुत काम करती अच्छा, है। अच्छा, एक आदमी तो मिला कम से कम सांस लेने के लिए मेरे पास। बहुत अच्छी बात। क्या नाम तो पूछी गया, भूलना तुम्हारा? भावेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त छोड़े